नाजरीन इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह करें कि वजीह कमर की जेर सदारत PAC जेली कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजारती कौमी सेहत की ऑडिट रिपोर्ट्स 2017-18 और 2018-19 का जायजा लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में कौमी इदारे सेहत की किराए पर लीज पर दी गई इमारतों के 41 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि इमारतें मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किराए और लीज पर दी गई। वाजिबात में से 3,88,00,000 रुपए वसूल कर लिए गए हैं। PAC ने वाजिबात की जल्द मुकम्मल वसूली की हिदायत कर दी है। ऑडिट हुकाम का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर में पोली क्लिनिक अस्पताल में महंगे दामों अद्वियात खरीदने का इंकशाफ भी हुआ है। 2015 से 2017 तक कम बोली को नजरअंदाज करते हुए महंगे दामों अद्वियात खरीदी गई। महंगे दामों अद्वियात खरीदने से 13,98,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। ईडी पोली क्लिनिक का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की खरीदारी के दौरान मयार को यकीनी बनाने के लिए कम बोली को नजरअंदाज किया गया। मुकामी अद्वियात का मयार इतना अच्छा नहीं। CEO ड्रिप का कहना है कि ये बात दुरुस्त नहीं कि मुकामी अद्वियात मयारी नहीं होती। मुकामी अद्वियात WHO के मयार के मुताबिक हैं। रुकन PAC निसार चीमा ने कहा कि अगर ऐसा है तो बरतानवी पेनाडोल और पाकिस्तानी पेनाडोल के असर में इतना फर्क क्यों है? बरतानवी पेनाडोल खाकर मुझे फौरी आराम मिलता है। अफजल ढांडला ने कहा कि चीमा साहब, ये सिर्फ आपकी सोच की बात है, मुझे तो पाकिस्तानी पेनाडोल खाकर ही आराम मिलता है। PAC ने अद्वियात की खरीदारी में बेजाब्तगियों की एक माह में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पोली क्लिनिक इंतजामिया की जानब से दफातर की मरम्मत और आरइश पर 5 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च करने का इंकशाफ। पोली क्लिनिक इंतजामिया को सिविल वर्क्स पर खर्चा की कोई इजाजत नहीं है। ईडी पोली क्लिनिक के मुताबिक तामीर और मरम्मत ICU इमरजेंसी वार्ड और वॉशरूम्स में की गई PAC ने जिम्मेदारान के तयन की हिदायत कर दी है।